हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल ऑल स्कूल्स कॉलेजेस। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे फैशन डिजाइनिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। इसमें से आपका एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है निफ्ट का। आज मैं आपको निफ्ट एग्जामिनेशन के बारे में बताने वाला हूं कि निफ्ट एग्जामिनेशन क्या है, कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं आफ्टर गिविंग दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसका जो कोर्स फी है वो कितनी है, इसकी एलिजिबिलिटी डिटेल्स क्या है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। निफ्ट की फुल फॉर्म की गाइस अगर हम बात करेंगे, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। बात कर लेते हैं व्हाट इज निफ्ट गाइस। सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम समरी की, दैट इज एग्जाम नेम आप लोग जानते ही है निफ्ट। कंडक्टिंग बॉडी जो है जो इसको कंडक्ट करवाती है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी गाइस। एग्जाम टाइप इज नेशनल लेवल। प्रोग्राम्स ऑफर, जो ये प्रोग्राम्स आपको ऑफर किए जाते हैं, दैट इज 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री इन फैशन टेक्नोलॉजी, 2 इयर्स डिजाइन डिग्री ऑफ पीजी इन मैनेजमेंट एंड मास्टर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी। ऑल्सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, फॉर यूजी फॉर अंडर ग्रेजुएट इट इज 10+2 फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, और फॉर पीजी बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। Mode of application is guys online, और exam mode is offline. Exam duration वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा गाइस। बात करते हैं what is NIFT. NIFT is National Institute of Fashion Technology, conducts the NIFT entrance examination in order to shortlist aspirants for admission in design programs offered by it. Each year, more than 20,000 students appear for NIFT examination. On the basis of NIFT exam, candidates can secure admission in courses such as Bachelor of Design, Bachelor of Fashion Technology, Masters of Design, Masters of Fashion Technology, etc. NIFT exam dates की guys बात कर लेते हैं कि इनकी exam dates क्या-क्या हैं, कब आपकी notification आएगी, कब form निकलेंगे, रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब होगी, सब कुछ मैं आपको अभी बताने वाला हूं, तो वीडियो जरूर देखिए लास्ट तक। इवेंट्स की गाइस बात करूंगा सबसे पहले, दैट इज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके स्टार्ट होते हैं, इट स्टार्ट्स इन 3rd week of October। तो अनाउंसमेंट होते ही जो इसकी फॉर्म फिलिंग होती है वो 3rd week of October में स्टार्ट हो जाती है। लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म इन द 2nd week of December। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन करेक्शन इज ऑल्सो इन लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन विद ₹5,000 फॉर लेट फी, दैट इज 1st week in January। एडमिट कार्ड जो आपके अवेलेबल होंगे, दैट इज इन 2nd week of January, 1st and 2nd week of January। एग्जाम गाइस, जो आपका एग्जाम है निफ्ट का वो कब होता है, इट इज ऑलवेज हैपन इन, ये वैसे टेंटेटिव डेट है, हो सकता है ये 3rd week और हो सकता है ये 4th week में भी चला जाए, वैसे ये जनवरी के 3rd week में इसका एग्जाम हो जाता है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट कब आएगा गाइस, जो रिजल्ट कम इन मार्च। सिचुएशन टेस्ट और ग्रुप डिक्लेरेशन इंटरव्यू, ये सब आपका कुछ जो टेस्ट वगैरह है ये कब होंगे, योर अप्रैल टू मई में। फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन इन मई टू जून, और जो काउंसलिंग होती है वो होती है आपकी जून के अंदर। गाइस, एप्लीकेशन फी की बात करेंगे, व्हाट इज जो एप्लीकेशन फी है आपकी कितनी है फॉर निफ्ट एग्जामिनेशन, तो कैंडिडेट्स कैन सबमिट द फी पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी कैन बी पे थ्रू ऑफलाइन मोड एंड ऑनलाइन मोड, द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी इज रिफंडेबल ऑल्सो गाइस। फॉर जनरल कैटेगरी इट इज ₹1,500, और फॉर रिजर्व कैटेगरी SC, ST and OBC इट इज ₹750। गाइस, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम समरी में बताया था, निफ्ट आपको 4 से 5 तरह के कोर्सेज ऑफर करता है। इस वीडियो में मैं आपको बैचलर ऑफ डिजाइन के बारे में बताने वाला हूँ, तब तक मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ हर पोर्शन में, हर स्लाइड में, कि निफ्ट की जो एलिजिबिलिटी है अलग अलग कोर्सेज के लिए क्या है। जान लेते हैं निफ्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बैचलर ऑफ डिजाइन फॉर BDesh। एज जो आपकी एज होनी चाहिए, दैट इज नॉट मोर देन 23 इयर्स। रिलैक्सेशन अप टू 5 इयर्स फॉर ST, SC and PWD कैंडिडेट्स। एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए गाइस, दैट इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड 10+2 एग्जामिनेशन और अपियर इन 10+2 और कंप्लीटेड अपियरिंग फॉर 3 to 4 ईयर डिप्लोमा ऑल्सो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी क्या है, एज लिमिट नॉट मोर देन 23 इयर्स एंड कैन बी रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर फॉर SC, ST and PWD कैंडिडेट्स। एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड और अपियरिंग इन 10+2 और नेक्स्ट इज कंप्लीटेड और अपियरिंग फॉर 3 to 4 ईयर्स
डिप्लोमा इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। गाइस बात करें नीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमनेट और एमएफएम दैट इज मास्टर ऑफ डिजाइन और मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट। एज इज नो एज लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर पीजी प्रोग्राम्स। गाइस पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज बैचलर्स डिग्री और अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 3 to 4 3 years ड्यूरेशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनआईएफटी एंड एनआईडी। गाइस निफ्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमएफटी एज मैंने अभी आपको बताया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन दैट इज बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम निफ्ट और बीई बीटेक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। गाइस रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर बीटेक वो कितनी है, क्या परसेंटेज है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की अलग अलग निफ्ट के अंदर, मैं वो आपको बता देता हूँ। फॉर एसटी इट इज 15%, फॉर एसटी इट इज 7.5% एंड फॉर ओबीसी इट इज 27% तक की रिजर्वेशन आपको मिल जाती है इन निफ्ट। गाइस एग्जाम पैटर्न फॉर बैचलर ऑफ डिजाइन क्या है, दैट इज फर्स्ट इज क्रिएटिविटी क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, सेकेंड इज जनरल एबिलिटी टेस्ट एंड जो थर्ड इज सिचुएशन टेस्ट। गाइस बात करेंगे हम क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट के बारे में। निफ्ट का एग्जाम पैटर्न जो है सीएटी के लिए क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां आते हैं आपके 3, ड्यूरेशन टाइम जो है आपको मिलता है गाइस 3 आवर्स, जो मार्क्स है वो है आपके 100, जो आपकी स्किल्स चेक किए जाते हैं दैट इज दिस टेस्ट जजेस कैंडिडेट इनिशिएटिव एंड डिजाइन एबिलिटी एंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स फॉर डेवलपिंग अ कॉन्सेप्ट इनोवेटिव एंड क्रिएटिव यूज ऑफ कलर एंड इलस्ट्रेशन स्किल्स। मींस आपकी क्या क्या चेक की जाती है, दैट इज योर ऑब्जर्वेशन पावर, डिस्कनमेंट एबिलिटी, डिजाइन एबिलिटी एंड क्रिएटिविटी इन थॉट डेवलपमेंट। गाइस बात करेंगे हम निफ्ट एग्जाम पैटर्न फॉर जीए दैट इज जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो आपका एग्जाम है लैंग्वेज है दैट इज इंग्लिश, लैंग्वेज का आपका पेपर है इंग्लिश, टेस्ट ड्यूरेशन इज 2 आवर्स, एग्जाम मोड जो वो है आपका पेन पेपर बेस्ड है, सेक्शन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके आते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश के क्वेश्चंस है आपके 25, क्वांटिटेटिव एबिलिटी के क्वेश्चंस है 20, कम्युनिकेशन एबिलिटी के क्वेश्चंस है आपके 25, एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस है 15 और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के क्वेश्चंस है 15। गाइस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके 100 और टाइम आपको बता दिया मैंने, आपको यहां पे टाइम मिलता है 2 आवर्स, कैट और गैट का पेपर दोनों एक ही डेज में आपका हो जाता है। गाइस बात करेंगे निफ्ट एग्जामिनेशन फॉर सिचुएशन टेस्ट, ये सिचुएशन टेस्ट का पैटर्न है वो क्या है, क्या क्या चीजों पे आपको जज किया जाता है, आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। पैरामीटर्स ऑन विच कैंडिडेट्स विल बी असेस्ड दैट इज कंस्ट्रक्शन स्किल्स, स्पेस विजुअलाइजेशन, कलर स्कीम, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव यूज ऑफ गिवन मटेरियल, प्लेस ऑफ द मॉडल एंड ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स। गाइस बात करेंगे हाउ यू प्रिपेयर फॉर द निफ्ट एग्जाम। गाइस द बेस्ट सोर्स टू रेफर द पास्ट क्वेश्चन पेपर्स एंड प्रैक्टिस दोज मॉडल पेपर्स, बिकॉज व्हेन वी रेफर टू द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देन वी ऑटोमेटिकली नो द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके आते हैं प्रीवियस ईयर्स में, उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से आपको लग रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं अगेन एंड अगेन, वही आपके कमिंग निफ्ट एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं, और जो पैटर्न चल रहा है हर साल वो किस तरीके से बेस चल रहा है वही आपका आ सकता है। पुट स्मॉल डेली टारगेट्स, वीकली टारगेट एंड रिवाइज द सब्जेक्ट्स और टॉपिक एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल अंटिल यू आर परफेक्ट ऑन दैट। मार्क द क्वेश्चंस दैट वी फील इंपॉर्टेंट और टफ। गाइस उन क्वेश्चंस को जरूर मार्क करिए जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो बार बार क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आ रहे हैं इन प्रीवियस ईयर पेपर्स। हैव टू इंप्रूव फेथ इन योरसेल्फ। गाइस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप लोग ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आप लोग ये एग्जाम जरूर क्वालिफाई कर पाएंगे। गाइस कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो मुझसे बहुत बार पूछे जा चुके हैं, दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और आप में से बहुत सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं हमारी वेबसाइट पे। दो में से क्वेश्चन पूछा गया, द फर्स्ट इज एक्सप्लेन द एग्जाम पैटर्न फॉर निफ्ट कैट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही कि कैट का एग्जाम पैटर्न क्या है। द क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट कंप्रेस द 3 क्वेश्चंस, ड्यूरेशन आपको मिलते हैं 3 आवर्स और जो आपका मार्क्स है योर 100, टोटल मार्क्स आपके 100 है, जहां पे आपकी कॉन्सेप्ट क्रिएटिविटी इनोवेशन इन स्किल्स इन सबको जज किया जाता है। व्हाट इज द मार्किंग स्कीम ऑफ निफ्ट एंट्रेंस टेस्ट। गाइस ये मैं आपको बता दूं, इट्स सो इंपॉर्टेंट, द पेपर विल कंसिस्टिंग ऑफ 100 क्वेश्चंस, देयर इज 0.25 नेगेटिव मार्किंग इन द पेपर फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मीन्स एक मार्क जहां आपको मिलने वाला है क्वेश्चन के लिए, वही आपका 1/4 मार्क
डिडक्ट होने वाला है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर्स। थैंक यू गाइस, आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो, निफ्ट के बारे में मैंने आज आपको डिटेल्स दी है, ऐसे ही मैं आपके लिए और बहुत सारी वीडियोस बनाता रहूंगा, तो हमारे ऑल स्कूल्स कॉलेजेस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड प्लीज हिट द बेल आइकन ताकि आपको और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। बाय बाय गाइस।